पिंटू कहाँ हो तुम यार? चाय जल्दी लेकर आओ, लेट हो रहा है। आज भी लेटने वाले ऑफिस से? क्यों, कहीं जाने वाली हो? नहीं ऐसे तो नहीं, पर आज ट्राई करना कि थोड़ा जल्दी आ जाओ। अब वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। शिट यार, अंधे हो क्या तुम? कुछ दिखता नहीं क्या तुमको? कोई बात नहीं। दिखता नहीं क्या? गलती से गिर गया होगा उससे। अरे ऐसे कैसे यार, कोई बात नहीं। जाओ कपड़ा लेकर आओ, उसे साफ करो। डोंट वरी, तुम रेडी हो जाओ। जाओ पिंटू, एक कप और चाय चढ़ाओ। मानव, आज थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। अरे मानव, पिंटू तुम जानते हो ना मानव को गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से काम किया ठीक है? अब चलो जाओ, तुम भी रेस्ट कर लो, मैं भी बहुत थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करो ठीक है? हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, जिसे लांघने की अगर कोशिश की जाए तो परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं इसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूं एक नई कहानी में। पिंटू एक ग्लास पानी लेकर आना। भाभी पानी। भाभी मैं आपके पैर दबा दूं? आप बोल रही थी बहुत थक गई। हाँ दबा दो, वैसे भी मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। जाओ यहां से। क्या मानव, जब देखो तब काम में लगे रहते हो, थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया करो ना। कल मेरी मीटिंग है और लाइट बंद करो, चुपचाप सो जाओ। अरे पिंटू, तुम वहां से खड़े होकर क्या देख रहे हो मुझे? इधर आओ। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूं?
अरे नाश्ता तो करके जाओ, ये लेट हो रहा है, तुम खुद खा लेना। भाभी जी आप रोइए मत, आप रोते हुए नहीं अच्छी लगती। क्या मानव, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा तो फिर हम लोग कहाँ घूमने चल रहे हैं सर? यहाँ तुम बोलो। शिमला। 100% पक्का? पक्का यार। ओके और जगह भी चलते हैं, शिमला मनाली। तुम पहले डिसाइड कर लो, हम 100% चलेंगे। काफी टाइम हुआ तुम्हारे साथ टाइम बिताए। हाँ पक्का चलेंगे। बताना मानव, मैं एक मिनट में, बस एक मिनट। हाँ ये सब क्या है बिंटू, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? भैया आपको छूते हमें अच्छा नहीं लगता। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर क्या काम करते हो? अच्छा तो अभी जाकर हम भैया को सब कुछ बताते हैं। ओह तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? दो कौड़ी के नौकर, मैं अभी तुम्हें ठीक करती हूँ। तुम्हारे पति को अभी हम सब कुछ बताते हैं। मानव, मानव जल्दी आओ प्लीज। मानव, मानव ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। मानव मैं सच कह रही हूँ, मानव प्लीज। मानव मैं सच कह रही हूँ, मानव। मानव मैं सच कह रही हूँ। नाजायज रिश्ते का कोई भी भविष्य नहीं होता। पिंटू ने सिर्फ अपनी गलती की वजह से अपनी जान से हाथ धो दिया और साथ ही प्रिया की वजह से मानव जैसे एक शरीफ इंसान को कातिल बनना पड़ा। इसलिए कभी भी गुस्से में किसी भी किस्म का फैसला ना लें, दोनों तरफ का पक्ष सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में दोबारा। तब तक के लिए आप लोग होशियार रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।